आओ दोस्तों आज तुहानूं देसी स्टाइल दे विच मकरोनी बनानी दसीए। मकरोनी बनाने दे लई तुहानूं पहलां एक कप मैकरोनी चाहिदी होएगी। फिर उस तो बाद तुसीं पानी गर्म रखोगे अते उस विच एक चम्मच दे करीब तेल पा दोगे, जिस दे नाल कि मैकरोनी आपस दे विच नहीं चिपकेगी। अते फिर तुसीं इन्ना तुसीं उस नमक पा सकते हो अद्धा चम्मच दे करीब। फिर तुसीं इस नूं मीडियम फ्लेम ते गर्म करोगे। ये देखो जी जदों पानी उबलन लग जावे फिर उस दे विच आपां मैकरोनी पावांगे। ये देखो अते मैकरोनी नूं हल्का हल्का इस तरह हिलांदे रहांगे तां कि मैकरोनी आपस दे विच चिपक ना जावे। इस तरह देखो फिर तुसीं इस दे विचों एक पीस कट के देख लोगे कि तुहाडी मैकरोनी नरम हो गई है कि नहीं। अते जे यह नरम हो जावे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा जा होर उबाला दे देवो। उस तो बाद तुसीं इस नूं छान लवोगे। ये देखो जी आपां छानन लगे हैं इस नूं। ये देखो फिर इस नूं तुसीं ठंडे पानी दे नाल एक बारी वॉश कर लोगे। कुछ टाइम तुसीं मैकरोनी नूं इस तरह रख दोगे ताकि फिर जो इहदे चो एक्स्ट्रा पानी है वह निकल जाए। तो दूजे पासे तुसीं कड़ाही रख दोगे तो इसका तुसीं तड़का लगाओगे। देखो असीं यह लोहे की कड़ाही वरत रहे हाँ, वरतन नूं तां असीं यह कड़ाही भी वरत सकते सी पर नहीं, असीं तुहानूं लोहे की कड़ाही दे विच यह मैकरोनी बनानी दस रहे हाँ। तड़का लगाने लिए असीं इहदे विच इह वाले इनग्रीडियंट यूज कर रहे हाँ। तुसीं देख सकते हो टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, लसण ते मिर्चां। इस तो बाद इधरले पासे तुसीं इस विच आ सकते हो कालियां मिर्चां, मसाला, हल्का जिहा नमक क्योंकि नमक आपां पहलां पा चुके हाँ, ते फिर हल्दी। फिर तुसीं इस विच थोड़ा जिहा तेल पाओगे। ये देखो ते हल्का जिहा इसनूं गर्म करके आपां इन्हां इनग्रीडियंट्स नूं विच पावांगे। देखो सब तो पहलां आपां लसण इस दे विच पा रहे हाँ। ये देखो हाँ जी, इस तो बाद आपां इस विच हरियां मिर्चां पा रहे हाँ। फिर आपां इस दे विच कटे हुए प्याज, ये देखो जी प्याजां नूं तुसीं इस तरह हिलाओगे तो फिर जदों ये हल्के जे ब्राउन हो जाएंगे तो मसाले तुसीं इस दे विच पा दोगे। ये देखो जी साढ़े प्याज हल्के जे ब्राउन हो गए हैं। आपां हुण इस दे विच ये जिहड़े मसाले सन वह सारे पा दिते ने। आपां फिर इन्हां मसालियां नूं हल्का जिहा हिलावांगे। फिर इहदे विच आपां देखो टमाटर ते हरियां मिर्चां यानी कि शिमला मिर्चां पावांगे। ते फिर इस सारे मिश्रण नूं चंगी तरह हिलावांगे। उस तो बाद इहदे विच एक कप पानी ऐड कर देंगे ताकि यह सारा जो मटीरियल है वह रिज जाए तो इसमें हल्का जिहा ढक देवे तो धीमी आँच कर देवे
तो इसनों आप रिझन देवे विचों विचों आप टाइम न टाइम टू टाइम इस चैक भी कर सकते हैं। तो देखो जी सारा मटीरियल पूरी तरह रिझ चुकया है तो ये आप देखो हम मैक्रोनी पावे तो देखो इसमें इस तरह करके हिलावे आ देखो जी इस तरह करके आप इसमें पूरी तरह हिला के इस लोड हो तो हल्का जहा पानी आप फिर दोबारा तो पा लवेंगे और इस थोड़ा चिर रिझन छड़ देवे फिर आप इस 3-4 मिनट बाद चेक करके देखेंगे कि मैक्रोनी अपनी बन गई है। ये देखो जी आप इसमें हिला रहे हैं ये आप इस करके रिझाई है ताकि जोड़े मसाले हैं वह चंगी तरह मैक्रोनी के एडजस्ट हो जाए एक तरह मिक्स हो जाए तो मैक्रोनी अपनी बन के तैयार है। हूँ आप इसमें सर्व करके दिखाते हाँ लो जी अपनी मैक्रोनी आ गई है तो आप इसमें टेस्ट करते हाँ। मैं चाहूँगा तुसी भी इस तरह की मैक्रोनी बना के खाओ देखो कितनी पाफां उठ रही हैं मैक्रोनी के विचों। धन्यवाद।